लास्ट टू वीक क्रिप्टो इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स के लिए काफ़ी पेनफुल रही है स्पेशली लूना इन्वेस्टर्स के लिए लूना कोइन का डेड होना क्रिप्टो इंडस्ट्री को पूरी तरह से एक्सपोज करता है क्योंकि लूना कोइन कोई ऐसा वैसा कॉइन तो था नहीं वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट में से एक था और रैंकिंग में भी टॉप टेन में आता था टू वीक पहले लूना का प्राइस हंड्रेड डॉलर के ऊपर चल रहा था और अब लूना कोइन ऑलमोस्ट सभी मेजर एक्सचेंजेस से डीलिस्ट हो चुका है बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पैसा लूना कोइन में डूब गया है हमें यह पता है कि किसी भी तरह की फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में ऑलवेज रिस्क इन्वॉल्व होता है इस रिस्क को कम करने का सिर्फ एक ही रास्ता है वो है डाइवर्सिफिकेशन डाइवर्सिफिकेशन इन्वेस्टिंग के फंडामेंटल प्रिंसिपल में से एक है जो पोर्टफोलियो रिस्क को रिड्यूस करने में हेल्प करता है जब भी हम क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं तो रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है बिकॉज ऑफ वो लैटिलिटी क्रिप्टो मार्केट को कोई रेगुलेट नहीं करता है ना ही ये किसी एक कंट्री तक लिमिटेड है ऑल ओवर वर्ल्ड के इन्वेस्टर क्रिप्टो एक्सचेंज का यूज़ करते हैं जिस वजह से इसमें मनी इनफ्लो बहुत हाई रहता है इसी वजह से क्रिप्टो मार्केट में कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता लूना से अच्छा एग्जाम्पल और क्या हो सकता है रिस्क को रिड्यूस करने के लिए इन्वेस्टर डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी का यूज़ करते हैं जो आपके इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करके रखता है इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको फाइव बेस्ट स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जो आपके पोर्टफोलियो रिस्क को रिड्यूस करने में हेल्प कर सकती है वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो माइंडर्स अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें फर्स्ट स्ट्रेटजी है बाय क्रिप्टो करेंसीज विद डिफरेंट यूज केसेस अगर हम देखें तो crypto industry क्रिप्टो इंडस्ट्री में 20,000 के अराउंड क्रिप्टो कॉइन है जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने का सबसे बेस्ट वे है अलग अलग यूज होने वाली क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना और इसके लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है बिटकॉइन एक लिमिटेड सप्लाई वाली क्रिप्टो है ियम बेस्ट है वर्क करती है इन्वेस्ट करने से आपका पोर्टफोलियो रिस्क रिड्यूस हो जाता है और आपको इस स्ट्रेटेजी को जरूर यूज करना चाहिए और ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की सेकेंड स्ट्रेटेजी है इन्वेस्ट इन डिफरेंट क्रिप्टो करेंसी ब्लॉक चेन ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी अलाउ क्रिप्टो करेंसीज टू फंक्शन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इस टाइम हाई डिमांड में है क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत सारी कंपनीज की प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करती है और सबसे बड़ी पॉपुलर ब्लॉकचेन है इथेरियम जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए अपने यूजर्स को हेल्प करती है कार्डानो ब्लॉकचेन जिसका फोकस है सिक्योरिटी स्केलेबिलिटी एंड एफिशिएंसी ई ब्लॉकचेन जो स्पेशलाइज है वेब सर्विसेज प्रोवाइड करने में लाइक क्लाउड स्टोरेज डी एप्स एंड एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसी बहुत सारी ब्लॉकचेन आपको मिल जाएगी क्रिप्टो स्पेस में जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो और अपने पोर्टफोलियो रिस्क को रिड्यूस कर सकते हो थर्ड स्ट्रेटजी है इन्वेस्ट इन डिफरेंट सेक्टर्स किसी भी मार्केट की तरह क्रिप्टो स्पेस में भी बहुत सारे सेक्टर है जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो लाइक like सबसे पॉपुलर सेक्टर है डेफी फाइनेंस ऐप का जो पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन करने में हेल्प करता है विदाउट इन्वॉल्विंग थर्ड पार्टी सच एज बैंक मेटावर्स का कंसेप्ट भी अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है और वर्ल्ड फेमस कंपनीज फेसबुक एमेजोन माइक्रोसॉफ्ट सभी इसमें एंटर करने को लेकर रेडी है और फेसबुक ने तो अपना नेम भी चेंज करके मेटा कर लिया है जिसके बाद मेटावर्स से रिलेटेड क्रिप्टो में मैसिव रैली देखने को मिली थी लाइक सेंट्रल एंड बुक्स इसके अलावा भी और बहुत सारे सेक्टर है लाइक वेब थ्री एंड एन एफ जिनमें आप इन्वेस्ट करके अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हो फोर्थ स्ट्रेटेजी है डाइवर्सिफाई बाय रिस्क लेवल जैसा कि मैंने आपको बताया इन्वेस्टिंग करने के साथ रिस्क ऑलवेज जुड़ा होता है बट ये रिस्क वेरी करता है इसी तरह से क्रिप्टो इन्वेस्टिंग में भी रिस्क इन्वॉल्व होता है किसी में ज़्यादा होता है तो किसी में कम सेफेस्ट कॉइन की बात करें तो बिटकॉइन एंड इथीरियम सबसे सब से सेफ इन्वेस्टमेंट है करने के लिए आप हमारी वीडियोस भी देख सकते हो जिसमें हमने सेफेस्ट क्रिप्टो से लेकर हाई रिस्क क्रिप्टो कोइंस के बारे में बताया है आप कितना रिस्क उठा सकते हो उसके अकॉर्डिंग अपने फंड को इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आप हाई रिस्क टेकर हो तो ओल्ड कॉइन में ज़्यादा इन्वेस्ट करिए और अगर आप सेफ़ प्ले करना चाहते हो तो बिटकॉइन एंड इथेरियम सबसे सेफेस्ट स्टेबल है क्रिप्टो इंडस्ट्री में और इन्हीं दोनों में आपका 60 से 70 परसेंट इन्वेस्टमेंट होना चाहिए आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फिफ्थ एंड लास्ट स्ट्रेटेजी है डाइवर्सिफाई बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन क्रिप्टो इंडस्ट्री की टोटल मार्केट कैप है 1.3 ट्रिलियन डॉलर के राम इसमें 44.4 परसेंट शेयर है बिटकॉइन की मार्केट कैप का और 19.3 परसेंट है इथेरियम की मार्केट कैप का जिन क्रिप्टो की मार्केट कैप बहुत ज़्यादा होती है वो मोस्टली स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाले कॉइन होते हैं बट स्मॉलर मार्केट कैप वाले कॉइन में ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा होता है जिसके कारण उसमें रिटर्न भी ज़्यादा मिल सकता है जिस वजह से लोग उनकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं लो मार्केट कैप वाले कॉइन वोलेटाइल भी बहुत ज़्यादा होते हैं और हाई रिस्क कॉइन होते हैं इसलिए आपको लो मार्केट कैप वाले कॉइन में सोच समझ कर ही इन्वेस्ट करना चाहिए विद द हेल्प ऑफ दीज फाइव स्ट्रैटजीज आप अपने क्रिप्टो पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हो और रिस्क को रिड्यूस कर सकते हो इसके अलावा क्रिप्टो मार्केट वैसे भी बहुत वोलेटाइल होती है जितनी जल्दी इसमें राइज आता है उतना ही फास्ट फॉल हमें देखने को मिलता है इसलिए ऑलवेज अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करिए आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड लास्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू जय हिंद